हेलो एवरीवन, क्रेजी रेसिपी विद मुस्कान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ मुस्कान। एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो रेसिपी, उसका नाम है सोया चाप, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। सो गाइस, सबसे पहले मैंने जो पैकेट्स वाली सोया चाप स्टिक आती है, मैंने वो मंगाई हुई है और ये फ्रीज़र में रखने की वजह से बहुत ठंडी रहती है, इसमें बर्फ़ भी जमी रहती है, तो उसको हम थोड़ी देर के लिए पानी में डिबो के रख देंगे। तो 15 से 20 मिनट बाद मैं इसको पानी से निकाल रही हूँ। अभी ये थोड़ी नॉर्मल हो गई है और इसकी स्टिक निकाल के अलग कर लेंगे। थोड़ा सा टाइट रहता है इसका स्टिक, अंदर से निकालने में प्रॉब्लम होती है, बट पानी में भिगोने से आराम से निकल जाएगी। अब इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। तो पीसेस हमें अपने अकॉर्डिंग करना है, आपको जितना छोटा बड़ा रखना चाहते हो उस हिसाब से इसके पीसेस कट कर लीजिए। तो मैं एक स्टिक के तीन तीन चार चार पीसेस कर रही हूँ। आप इसकी लेयर देख सकते हैं कि कितनी लेयर में खुल रही है। अभी हमें एक पैन लेना है, उसमें हम डाल रहे हैं ऑयल। ऑयल में हम करेंगे इनको डीप फ्राई, तो इसके लिए हम लोग ले रहे हैं 2 बड़े चम्मच के आसपास का ऑयल है ये। और ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम अपनी सोया चाप को इसमें डाल देंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। तेल हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है ताकि ये वो एकदम से जल ना जाए। इतना गर्म होना चाहिए कि वो आराम से फ्राई हो, अंदर तक डीप फ्राई हो। तो इस तरह से हमें इन्हें चलाते रहना है और ये फ्राई होने के बाद इनकी लेयर बहुत अच्छी से निकल के आती हैं। और ये रेसिपी दिल्ली और पंजाब में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी है, दिल्ली और पंजाब में बहुत खाई जाती है। सो गाइस, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो अभी हमारा जो सोया चाप है वो फ्राइड हो चुका है और आप इसकी लेयर देख सकते हैं कि लेयर दिखने लग गई है। तो अभी इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इस तरह से हम सारी सोया चाप को ऑयल से निकाल लेंगे। गाइस, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। अभी हमने सारी सोया चाप को ऑयल से निकाल लिया है। अब हम चलेंगे इनको दही में मिलाने के प्रोसेस में, इनकी जो सूखी ग्रेवी तैयार करते हैं उस प्रोसेस में चलेंगे। तो जिसके लिए मैं ले रही हूँ दही, एक कटोरी दही है, उसमें मैंने थोड़ा सा दही पहले नीचे डाला है और कुछ डाले हैं इसमें सोया चाप। इसके ऊपर भी हम दही डालेंगे ताकि जो दही की कोटिंग है वो बहुत ही अच्छे से हो जाए और इससे आपको बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट लगेगा, जैसे आप मार्केट में मसाला चाप खाते हो उस तरह का टेस्ट आएगा। अब आपको इस तरह से अच्छे से दही को चाप में मिक्स करना है और इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, जो कि टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करेगा। तो 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे इसमें हम। चाट मसाला डाल दिया है और इसको और एक बार अच्छे से मिला देंगे, मिक्स कर देंगे ताकि जितना भी मसाला है जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए चम्मच की सहायता से और दही हमारा बहुत अच्छे से कोट हो जाए, इसलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इस प्रोसेस को करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ देंगे। देख सकते हैं हमने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है, अब इसको हमने ढक के छोड़ दिया है। अभी हम चलते हैं ग्रेवी के प्रोसेस में। तो जिसके लिए मैं ले रही हूँ 2 बड़े ऑनियन, ये 2 बड़े प्याज हैं और मैंने ऐसे रफली इन्हें चॉप किया है, बारीक चॉप नहीं किया है। अब इनको हम अच्छे से कर लेंगे फ्राई। इसमें ले रही हूँ मैं लहसुन और ये अदरक के कुछ पीसेस हैं, इन्हें भी डाल देते हैं। इन सब चीज़ों को फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमारा जो लहसुन और अदरक और प्याज है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर और हरी मिर्च, इन्हें भी हमने रफली चॉप किया हुआ है और इन सारी चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे, ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई करेंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारे इसके मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसको पेस्ट बना लेंगे इन सब मसालों का और इसे ग्राइंड कर देंगे। अभी हमने वही तेल लिया हुआ है और इसमें हम डाल रहे हैं 10 से 12 काजू। काजू हमारे जो ग्रेवी है उसको टेस्ट को और इन्हेंस करता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो तो डालो, अदरवाइज मत डालो, बट ये टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा। और हमारी जो प्योरी है वो बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी फाइन प्योरी मैंने बनाई है इसकी।
अभी हमें क्या करना है, मसाले लेने हैं कि हम कौन कौन से मसालों का यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं खड़े मसाले, तो मैं इसके लिए ले रही हूँ 2 से 3 इलायची। अभी मैं ले रही हूँ इसमें काली मिर्च, एक मैं ले रही हूँ इसमें, अभी मैंने ली इसमें एक दालचीनी। तो सारे खड़े मसाले हमने ले लिए हैं। अभी हमारा तेल जब अच्छे से गर्म होने लग जाएगा तो हम सबसे पहले डालेंगे इसमें हींग। ये मैंने हींग डाल दी है। अब हींग हमारी जब अच्छे से होने लग जाएगी तब हम इसमें अपने खड़े मसालों को ऐड करेंगे। और गाइस, तेल मैंने वही वाला यूज़ किया है जो मैंने पहले, जिसमें मैंने फ्राई किया है, क्योंकि सारा फ्लेवर इसी तेल में होता है, इसलिए मैं तेल चेंज नहीं कर रही हूँ। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ अपना पेस्ट जो प्यूरी बनाई है हमने, प्याज लहसुन अदरक टमाटर वगैरह की, वो डाल देंगे। कुछ लोग ऐसे नॉर्मली कच्चे में ही पीस लेते हैं, बट मैं इसको फ्राई करके बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो हमारे जो मसाले की प्यूरी है वो इसे हमें करना है फ्राई, मतलब भूनना है इसे। जब तक कुछ अच्छी से खुशबू ना आने लग जाए मसाले भूनने की, तब तक हमें इसे भूनना है। और जब तक हमारा तेल ना छोड़ने लग जाए मसाला, तब तक हमें भूनना है इसे, क्योंकि अगर मसाला अच्छा भुना होगा तो टेस्ट अपने आप ही अच्छा आता है। अभी हम ले रहे हैं पिसे मसाले, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैं ले रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, इससे हमारा कलर भी आएगा। अभी मैं ले रही हूँ 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैं ले रही हूँ इसमें गरम मसाला, और 1 चम्मच हम ले रहे हैं इसमें नमक। ये सारे मसालों को हमने डाल दिया है इसमें, और आप देख सकते हैं ग्रेवी भी हमारी पक्के बिल्कुल तैयार हो रही है, ऑयल छोड़ने लग गई है। ये देखिए हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है। आप साइड साइड में तेल देख सकते हैं, साइड साइड में तेल अलग हो गया है। तो बस इसी तरह से हमें अपने मसाले को भूनना है। थोड़ी सी देर हम इसे और भूनेंगे ताकि फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए। अभी हमने इसमें सोया चाप अपनी डाल दी है दही में से निकाल के, और इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी पानी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, आपको जितनी ऐसी ग्रेवी पसंद है, बट मैं कम ही पानी ऐड कर रही हूँ। और इसको हम ढक के पका लेंगे थोड़ी सी देर। अभी चेक कर लेते हैं हमारी जो चाप पक गई है कि नहीं। सो आप देख सकते हैं चाप हमारी दिखने में कितनी टेस्टी लग रही है, और ये पक चुकी है, बहुत ही अच्छे से चाप पक चुकी है, आप देख सकते हैं। और हमारी जो चाप है वो बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय गाइस।